नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए प्रस्तुत है हिंदी के कवि श्री अरुण कमल की कविता, जिसका शीर्षक है बुलडोजर। अब न तो पहिए चलते हैं न जबड़े, पहियों के चारों तरफ दूब उग आई है और चींटियों के घर। जबड़ों के दांत टूट चुके हैं और उन पर खेलती हैं गिलहरियां। अपने जमाने में मैंने कितने ही झोपड़े ढाहे, उजाड़ी बस्तियां। दुनिया का सबसे सुस्त चाल वाला, सबसे खूंखार अस्त्र। एक बार एक बच्चा दब गया था, पालने में सोया। मैं अक्सर सोचता, कोई मेरे सामने खड़ा क्यों नहीं होता? 10 लोग भी आगे आ जाते तो मेरा इस्पात कांच हो जाता। बस एक बार एक वीरांगना खड़ी हो गई थी निहत्थे, और मुझे रुकना पड़ा था असहाय निर्बल। पीछे मुड़ना मैं नहीं जानता, पर मुझे लौटना पड़ा। तोड़ना कितना आसान है, बनाना कितना मुश्किल। अब चारों तरफ घनी रिहाइश है, इतने इतने लोग, और मैं बच्चों का खेल मैदान हूँ। उसी बस्ती के बीच अटका अजूबा, वो जमाना बीत गया, वो हुक्मरान मर गए अपने ही वजन से दबकर। काश मैं मिट्टी की गाड़ी होता।